हेलो एवरीवन, आज हमारी नाइन्थ डे की क्लास है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस जो थी वो थी हमारी टाइफॉइड और निमोनिया। उसके बाद हमने देखा टॉपिक वायरल डिजीजेस। उसमें हमने पढ़ा कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू के बारे में। अब थर्ड टॉपिक जो है वो आता है हमारा प्रोटोजोन डिजीजेस। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोन्स के जरिए भी फैलती हैं। सबसे कॉमन आपने नाम सुना होगा मलेरिया का। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे ह्यूमन बीइंग्स कितने ही सालों से फाइट करता आ रहा है। ये जो बीमारी होती है मलेरिया, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक बहुत ही टाइनी प्रोटोजोन है जो इस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती है। उनके नाम हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ये डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। इन सब में से जो सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सबसे ज़्यादा सीरियस, फैटल और मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब जो है नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख लेते हैं या ये भी कह लेते हैं यहीं पर कि जो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है स्पोरोजॉइट्स, उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। और ये स्पोरोजॉइट्स जब ह्यूमन ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तब हमें फीवर, चिल्स की साइकिल हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कॉजल ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का, लेकिन प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है यानी कि प्लाज्मोडियम का जो कैरियर है वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजॉइट्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है और आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल किस तरह से काम करती है। देखो, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए टू होस्ट चाहिए। एक तो होता है ह्यूमन बॉडी और दूसरा होता है मॉस्किटो। ये दो होस्ट हैं जिसके जरिए प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। देखो क्या करता है, सबसे पहले ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एज स्पोरोजॉइट एंटर करते हैं। यानी कि जब भी कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटती है तो वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म जो होते हैं स्पोरोजॉइट्स, उसको ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर छोड़ देती है। अब ये स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं, ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड के जरिए लिवर सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर ये पैरासाइट अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लेता है। फिर लिवर सेल्स के बाद में ये अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स पर, और जब ये रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी जाकर ये मल्टीप्लाई होता है और धीरे धीरे ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देता है। अब जैसे ही RBCs रप्चर होती है वैसे ही इसके अंदर से एक टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होता है, नाम है उसका हीमोजोइन। ये हीमोजोइन ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है चिल्स और हाई फीवर की रिकरिंग के लिए, जो कि हर एक 3 to 4 days के अंदर रिपीट होती रहती है। अब जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फिर से इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो ये पैरासाइट इस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वापस एंटर कर जाते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए। और ये पैरासाइट्स जो होते हैं ये इसकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यहाँ तक कि इसकी स्टोमक या इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर ये स्पोरोजॉइट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इन्फेक्शियस फॉर्म जो होती है इनकी वो आकर इनकी स्टोर हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। फिर से जब ये मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को काटती है तो इन स्पोरोजॉइट्स को उसकी बॉडी के अंदर वापस से एंटर करवा देती है और ये सारे इवेंट्स जो होते हैं वो दोबारा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए। इट रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। क्या है वो, ह्यूमन और मॉस्किटो।
अब ये इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, प्लाज्मोडियम कोकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है स्पोरोजोइट्स, उसको ह्यूमन बॉडी में छोड़ती है. यानी द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसफर्स द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज स्पोरोजोइट्स टू द ह्यूमन बॉडी बाय बाइटिंग. द स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर सेल्स, वहाँ से ये लीवर सेल्स में पहुँचते हैं वेयर दे मल्टीप्लाई, वहाँ ये मल्टीप्लाई होते हैं. दिस इज़ फॉलोड बाय देयर अटैक ऑन RBCs रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. उसके बाद कहाँ जाते हैं ये RBCs के अंदर और उनको रप्चर कर देते हैं. द रप्चर्ड RBCs रिलीज टॉक्सिन रिलीज करती है, नाम है हीमोजोइन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई रिकरिंग फीवर चिल्स एंड शिवरिंग. ठीक है, फिर इनकी जो सेक्सुअल स्टेजेस होती है वो RBCs में ही डेवलप होती रहती हैं. फ्रॉम वेयर दीज पैरासाइट एंटर इन द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो व्हेन दे बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है. अब इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो दे फर्टिलाइज एंड मल्टीप्लाई इन द स्टोमक वॉल. स्पोरोजोइट्स आर नो स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो टिल इट इज अगेन ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी बाय अ मॉस्किटो बाइट. आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी ऑल द इवेंट्स आर रिपीटेड. इस तरह से क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है. देखो ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम है, अब ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, इसकी वेरियस स्टेजेस का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है, ये आपकी NCERT की बुक में दे रखी है. इस पर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, यानी कि सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन इस तरह से होगा, गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो फिर आपको ये सब बना कर और उसके बाद इसको ये लेबल भी करना होगा, या फिर वो डिटेल डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का विथ वेल एंड लेबल्ड डायग्राम. देखो इसमें भी यही बताया है, सबसे पहले ये एक हाथ पर एक मॉस्किटो का काटता हुआ फोटोग्राफ है जहाँ पर लिखा है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट. यहाँ से इसने इंजेक्ट कर दिए. ये स्पोरोजॉइट्स जो थे, यानी जो इन्फेक्शियस फॉर्म थी पैरासाइट की, वो कहाँ पहुँची, लीवर के अंदर थ्रू ब्लड. अब लीवर के अंदर जब ये पहुंची तो ये लीवर सेल्स के अंदर असेक्सुअली क्या कर रही है, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रही है और सेल को ब्रस्ट करके बाहर आ रही है. फिर जब ये बाहर आई तब ये पहुंची RBCs के अंदर, RBCs के अंदर भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुई, RBCs को ब्रस्ट किया, और फिर जैसे ही RBCs को ब्रस्ट करेगी तो हीमोजोइन रिलीज होगा और जो फीवर और अदर सिम्टम्स होंगे मलेरिया के वो अपीयर हो जाएंगे. फिर वहाँ से इसकी सेक्सुअल स्टेज शुरू हो जाती है, गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है. जैसे ही ये सेक्सुअल स्टेज शुरू होती है, इन गैमेटोसाइट्स जो इन्फेक्शियस स्टेज है इसकी, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन में है तब ये फीमेल एनाफिलस इसे फिर से काट रही है, और ये मॉस्किटो क्या कर रही है, इन गैमेटोसाइट्स का अपटेक कर रही है विद ब्लड मील. जब ये इसके अंदर चले गए तो इन गैमेटोसाइट्स के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ जो मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में हुआ, और वहाँ से ये इन्फेक्शियस फॉर्म कहाँ पहुँच गई, स्पोरोजॉइट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पहुँच गई. फिर से जब ये सलाइवरी ग्लैंड में आ गए मॉस्किटो के ये स्पोरोजॉइट्स, तो ये ऐसा मॉस्किटो फिर से ह्यूमन को काटेगा और ये साइकिल रिपीट होगी. तो यहाँ काटने से लेकर गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन तक का काम कहाँ हो रहा है, ह्यूमन होस्ट के अंदर, और गैमेटोसाइट्स दोबारा जब एंटर हुए फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से तो ये काम हो रहा है मॉस्किटो होस्ट के अंदर. तो इस तरह से क्या करता है, प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. तो ये है आपका डायग्राम, इसकी रिप्रेजेंटेशन बुक में दी गई है. सेकेंड प्रोटोजोनल डिजीज़ जो है आपकी, वो है अमीबिक डिसेंट्री. इसको अमीबोइसिस के नाम से भी जाना जाता है. इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एक प्रोटोजोन एंडोपैरासाइट, नाम है उसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है. ठीक है, अब ये जो अमीबिक डिसेंट्री है इसका जो मैकेनिकल कैरियर है वो होती हैं हाउस फ्लाइज. ये हाउस फ्लाई क्या है, इसकी मैकेनिकल कैरियर है. ये इस पैरासाइट्स को इन्फेक्टेड पर्सन की फीसेस के फूड के फूड तक ट्रांसमिट करती है. यानी कि जो इन्फेक्शन होता है इस बीमारी का वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए बाय फीकल मैटर. ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी फीसेस के ऊपर जब हाउसफ्लाई बैठती हैं, और फिर यही हाउसफ्लाई जब हमारे फूड और वाटर के ऊपर बैठती है, अनकवर्ड फूड और वाटर के ऊपर, तो उसको कंटामिनेट कर देती है, और उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर से
हेल्दी पर्सन को भी क्या हो सकता है, अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है। एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में ये मिलता है। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका इसका नाम है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स जो हैं बीमारी के, वो है एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूरी क्या है, जो यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, अपने फूड कवर्ड फूड का या कवर्ड ड्रिंकिंग वाटर का ही यूज़ करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबोइसिस, कॉजल ऑर्गेनिजमिस एंड अमीबा हिस्टोलोटिका, इन्फेक्शन टेक प्लेस बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय फीकल मैटर, और सिम्टम्स मैंने आपको इनके बता दिए। तो एक तो हो गया हमारा मलेरिया, जो कि एक कॉमन डिजीज़ थी, और मलेरिया से जो बचने का तरीका है वो तो आप सभी जानते हैं कि मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मलेरिया से सबसे अच्छा बचने का तरीका क्या है, मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग मॉस्किटोज बाय स्प्रेइंग DDT, BSC एक्सेट्रा एंड यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स एक्सेट्रा, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज़ करके हम मलेरिया से बच सकते हैं। कुनेन है, क्लोरोक्विन है, ये सब डिजीज उनके लिए मेडिसिंस हैं। तो आज थी ये आपकी दो प्रोटोजोनल डिजीजेस, मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री। अब नेक्स्ट जो वो है हमारी फंगल डिजीज़, यानी कि फंजाई से होने वाली जो बीमारियाँ, और आप सब जानते हैं नॉर्मली जो फंजाई से होने वाली बीमारी होती है वो होती है हमारे रिंगवॉर्म्स। आप सब जानते हो इसके बारे में। देखो ये जो रिंगवॉर्म्स होते हैं, बीमारी है रिंगवॉर्म। अब ये रिंगवॉर्म्स जो होते हैं, ये रिंगवॉर्म्स जो होते हैं फंजाई से क्रिय होते हैं, फंजाई ऑफ जनेरा, वो जनेरा का नाम है, पहला है माइक्रोस्पोरम, सेकंड है ट्राइकोफाइटोन, और थर्ड है जनेरा एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, रिंगवॉर्म्स कॉज्ड बाय फंजाई ऑफ जनेरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये इनसे होती है। अब ये इनमें होता क्या है इन बीमारी में, कि आप जानते हो ड्राई और स्केली लीजन्स हो जाते हैं स्किन पर, नेल्स पर और स्कैल्प पर। नॉर्मली हिंदी में हम इसको दांत खाज खुजली के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर भी ये रिंगवॉर्म्स होते हैं वहाँ पर इंटेंस इचिंग होती है, और ये फैलती कैसे है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से ये इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन जो है, अगर हम उसका कोई भी टॉवल, क्लोथ, कॉम्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे ये बीमारी फैलती है। मोस्टली ये रिंगवॉर्म्स जो होते हैं, हमेशा या तो हमारे स्किन फोल्ड्स के बीच में होते हैं, लाइक गॉरिंस, या बिटवीन टोज, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी मोस्टली जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर हीट और मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये रिंगवॉर्म्स होते हैं, क्योंकि हीट और मॉइस्चर जो होते हैं वो इन फंजाई को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये बीमारियाँ, मतलब ये रिंगवॉर्म्स उसी जगह होते हैं बॉडी में। तो पहला पॉइंट देख लिया, रिंगवॉर्म होता किसे है, कॉज्ड बाय फंजाई ऑफ जनेरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। सेकेंड आप लिख सकते हैं हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई। That makes them thrive in skin folds like in groins और बिटवीन टोस, जहाँ पर भी बॉडी में हीट भी हो, थोड़ी गर्मी हो पार्ट में, और जहाँ पर मॉइस्चर हो वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के, रिंगवॉर्म्स के सिम्टम्स हैं ड्राई एंड स्केली
lesions on skin, skin में हो सकती है, nails and scalp, हमारी scalp पे भी हो सकती है, ठीक है। और इन पर क्या होता है, lesions पर intense itching होती है, तो lesions are accompanied by इंटेंस इचिंग, ठीक है। और इन्फेक्शन कैसे होता है, तो ह्यूमन इन्फेक्शन अकर्स आइदर थ्रू contact with an infected person or from soil, मिट्टी से भी बीमारियां फैलती है, और from soil या it also spreads towels, clothes, comb, etc. of the infected person. तो ये था आपका फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में केवल एक ही बताइए आपको, रिंगवॉर्म, जो फैलती है जनेरास, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन से। हीट और मॉइस्चर जो होती है फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करती है, इसीलिए मोस्टली ये कहाँ होती है, स्किन फोल्ड्स के बीच में, लाइक इन ग्रोइंस एंड बिटवीन टोज। इसके सिम्टम्स थे ड्राई और स्केली लीजन्स ऑन स्किन, नेल एंड स्केल, और ये इस पर क्या होती है, इंटेंस इचिंग। ये इस बीमारी का इन्फेक्शन फैलता कैसे है, या तो क्लोज कॉन्टैक्ट हो इन्फेक्टेड पर्सन से, या तो फिर उसका कोई भी हम आइटम यूज़ करें, जैसे उसके टॉवल्स हैं, क्लोथ हैं या कॉम्ब हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए तो भी ये बीमारी हो सकती है। तो आज ये दो टॉपिक थे आपके, प्रोटोजोनल डिजीज़, जिसमें था एक तो मलेरिया और दूसरा था अमीबिक डिसेंट्री, और एक था आपका फंगल डिजीज़ जो था रिंगवॉर्म।